So, okay. Now, first of all, what is heat? Heat is denoted by letter Q. Actually, heat kya hota? Anybody can suggest? कोई बता सकता है heat kya hai? Yes, anybody. अगर heat को बोला जाए what is heat, तो क्या बोलोगे आप? ये रश्मि, हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? हीट मतलब हीट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. ये बात समझ में आया ना? लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बहुत तरीके की होती है. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल का मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्रेट जाता है. रोटेशनल का मतलब जो मॉलिक्यूल है, डंबल जैसा मॉलिक्यूल है, वो रोटेट करता है. वाइब्रेशनल का मतलब कुछ स्प्रिंग जैसा मॉलिक्यूल है, उसकी बॉन्डिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है और वो ऑसिलेट करता है. तो सॉलिड में मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा छोड़ लो स्टैंड में, कभी भी मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं होते, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैसेस है. मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज हैविंग सम टाइप ऑफ मोशन, चाहे वो इवन वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता सॉलिड में. वाइब्रेशन मतलब मेन पोर्शन से लेफ्ट राइट ऐसे वाइब्रेट करते हैं. ठीक है ना? सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ जस्ट मोमेंट, जस्ट कंप्यूट ऑन दिस वन. अच्छा ओके, सो जरा यूनिट इसको आप हीट को आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा मुझे बताइए यार, यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या लेंगे? यस आपने टेंथ पढ़ा हुआ है, यूनिट ऑफ हीट क्या थी? यस कौन बताएगा हीट की यूनिट टेंथ में पढ़ा था आपने? चिन्मय क्लास टेंथ में पढ़ा था ना हीट का यूनिट क्या था? जूल. जूल, ये तो ऐसा ही हो गया. और सीरियस, दो यूनिट होते हैं बेटा, एक होता है वर्क यूनिट, ध्यान से जो नई चीज बता रहे हैं आपको, और एक होता है हीट यूनिट. इसमें होता है जूल, ऐसा यूनिट, और एक होता है, ये जूल हो गया, जूल, और एक होता है अर्ब, ये सीरियस यूनिट, ये तुम्हारा ऐसा ही है और ये सीजीएस है, सीजीएस यूनिट. आप कहेंगे फिर ये दो कॉलम आगे क्यों बना रखे हैं? सीजीएस हो, फिर आप कहेंगे दो कॉलम क्यों और बना रखे हैं? पढ़ा है आपने इसमें कैलोरी भी होता है और किलो कैलोरी भी होता है. सुना है कैलोरी? कैलोरी सुना है आपने? यस. व्हाट इज वन कैलोरी? टेंथ में डेफिनेशन था, व्हाट इज वन कैलोरी? डेफिनेशन क्या था वन कैलोरी का? यस anybody, what is one calorie? amount of heat required to raise temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. Just a minute, let me 15.5 degrees Celsius. 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. क्या मतलब?
वन डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वन कैलोरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी और जूल भी होता है। अच्छा, किसी को मालूम है कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है? वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। आप 4.2 जूल बोलेंगे तो भी चलेगा। एंड वन किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल या 4200 जूल भी करेंगे तो भी चलेगा। और जूल और आवर में क्या रिलेशन होता है? वन जूल इज इक्वल टू 10^7 आवर। Competent all the information regarding heat. I hope you have understood what is heat and what now heat में बहुत important है कि आपको you have to deal 4 units। तो आप कहेंगे सर आपने 4 units बनाए क्या चारों use करेंगे? तो तुम कोशिश करना कि आप या तो joule use करो या calorie use करो, ये ध्यान रखना। Sometime हम लोग calorie में करते हैं, sometime joule में करते हैं, ठीक है। Calorie and joule, got it everyone? So this is all about heat. And once you complete, just inform me so I will proceed. So somebody asks you what is heat, आप बोलेंगे heat is a sum of kinetic energy of molecules. Yes, done. Conversion याद रखना। कर लेना, मुझे बताना, मैं स्टार्ट करूंगा फिर। Done, sir. Okay, now. So, okay. फिर एक दूसरा आता है टेम्परेचर। एक वो कुछ टर्म्स को पहले हम समझ तो ले। टेम्परेचर क्या होता है? इट्स अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री इंडिकेटिंग डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोल्डनेस इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने 7 फंडामेंटल पढ़े थे ना, उसमें एक फंडामेंटल हमारा टेम्परेचर भी था। पहला था लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर भी था ना। तो टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, इसका यूनिट क्या था? यस, SI यूनिट क्या था? ये पढ़ चुके हैं आप लोग, बोलिए जरा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट। टेम्परेचर यूनिट क्या था? केल्विन। केल्विन, यस, केल्विन। और अदर यूनिट्स भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही यूनिट होती। अदर यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 में पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ठीक है। अच्छा,
टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, हो गया। अच्छा हाँ सुनो, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल ध्यान से सुनो, कोई भी स्केल बनाई जाती है ना तो उसमें दो होते हैं टू फिक्स पॉइंट्स। कोई भी स्केल होता है ना उसमें दो पॉइंट कैलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है, समझा रहा हूं, एनी स्केल, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, ओके लुक हियर, अच्छा अच्छी, दो पॉइंट फिक्स किए जाते हैं, एक होता है आइस पॉइंट और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट, उसका दूसरा होता है स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट। अच्छा, सेल्सियस, सेल्सियस नाम सुना होगा, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ने आइस पॉइंट को लिया था 0 और स्टीम पॉइंट को लिया था 100। फारेनहाइट ने कुछ अलग किया, ठीक है, फारेनहाइट में क्या किया, आइस पॉइंट लिया था 32 और स्टीम पॉइंट क्या लिया था 212। फिर केल्विन आए, उन्होंने भी किया, केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन, केल्विन, केल्विन ने आइस पॉइंट लिया -273.16 को, और नहीं आइस पॉइंट लिया, नहीं नहीं आइस पॉइंट, एक मिनट रुको, इसने आइस पॉइंट लिया दैट इज 273.16 -273, हाँ जीरो आइस पॉइंट लेंगे, हाँ 273.16 और स्टीम पॉइंट लिया 373.16। इसने जब आइस पॉइंट लिया तो उसमें जो डिवीजन किए इस दोनों स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट में 100 डिवीजन किए, इसने भी 100 डिवीजन्स, लेकिन इसने 180 डिवीजन्स किए, डिवीजन, ठीक है। तो तीनों ने अपनी अपनी स्केल बनाया, ठीक है, लेकिन तीनों का एक तो क्राइटेरिया फिक्स था कि हमेशा लोअर फिक्स पॉइंट, जब दो स्केल पे दो पॉइंट मार्क करेंगे
तो मैं एक मार्क करूंगा आइस पॉइंट के अकॉर्डिंग और दूसरा मार्क करूंगा स्टीम पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक है, लेकिन सबने अपनी वैल्यू अलग अलग रखी। सेल्सियस का इजी था सबसे, 0 और 100। फारेनहाइट ने 32 212 लिया स्टीम पॉइंट को। हाँ, डिवीजन अलग अलग किया। सेल्सियस ने 0 और 100 के बिटवीन कितने डिविजन किए? 100, जबकि फारेनहाइट ने 32 और 212 के बीच कितने डिविजन किए? 180। केल्विन ने आइस पॉइंट ये लिया, स्टीम पॉइंट ये लिया। हाँ, एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? समबडी रेज्ड हैंड। हु इज दिस वन? ये डबल ए करके कौन है बेटा? ये राइट योर प्रॉपर नेम। यस, अब कौन है डबल ए करके जो है? ओके, नो, सो जस्ट कॉम्पिटन दिस वन, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। जस्ट कॉम्पिटन दिस वन, कॉपी कर लो, मैं समझाता हूं। वर्किंग एरिया का क्लियर खाली। आईडी कॉपी। यस सर। हां, तो ये ध्यान रखना कि उसने 100 डिविजंस किए थे उसने, तो इनका ग्राफ ऐसा होता है। बेसिकली मैं सबको समझाता हूं। तो जैसे सेल्सियस और ये फारेनहाइट है, लेट्स से अगर मैं इधर सेल्सियस लेता हूं, डिग्री सेल्सियस, और इधर मैं फारेनहाइट लेता हूं, तो इसने जहां पे 0 और 100 लिया, तो इसने जहां पे 0 था ना, वहां पे 32 लिया, ठीक है, 212 और दिस इज 100। तो ग्राफ कैसा आएगा दोनों के बिटवीन? एक सेकेंड, इसका 212 100 के करस्पॉन्डिंग था, और इसका जो 32 था वो 0 के करस्पॉन्डिंग था। आर्गुमेंटिंग, इसने 100 डिविजन किए पूरे डिविजन, और इसने पूरे 180 डिविजन किए इसके बिटवीन, ठीक है? सो ये तो एक बात रही। अच्छा, अब ये केल्विन का कैसे लिया, केल्विन ने कैसे लिया, इनका देखते हैं। केल्विन का क्या था कि, अच्छा एक बात याद रखना, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, डिग्री फारेनहाइट यूज करते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन का भी यूज नहीं करते। क्यों? अब इनका देख लो, केल्विन का मैं समझाता हूँ, उसके बाद कॉपी करना। ये काम करो, कॉपी कर लीजिए इस ग्राफ को, कॉपी ऑन दिस ग्राफ। समटाइम दे विल आस्क,
समझने की कोशिश करते हैं केल्विन ने क्या किया. एक्चुअली जस्ट हियर देयर इज अ जस्ट हियर हाँ अरे हाँ सी एक्चुअली केल्विन ने क्या किया गैस की जरा स्टडी किया ठीक है जैसे लाइक दिस वे. उससे मालूम था कि आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा है क्या पीवी इज इक्वल एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यस और नो. सर आपने वो स्टार्टिंग में बताया था एक अच्छा एक हाँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं. हाँ एक बॉयस लॉ गैस के केस में एक लॉ होता है वो लॉ होता है दैट इज यू कैन से उसका नाम है गेल उजैक लॉ बांध पड़ते हैं हम लोग ठीक है. वो क्या बताता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है. दिस वन इन्होंने ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया. वाई एक्सिस पे उन्होंने गैस लिया प्रेशर और ये टेम्परेचर. टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में लिया अच्छा. और उन्होंने क्या किया लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम करोगे तो सॉरी टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर भी कम होगा. तो व्हाट दे हैव टेकन अ गैस ए कोई गैस लिया वो क्या करने लगे उसके टेम्परेचर को कम करने लगे ठीक है. कम कर दीजिए टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया कम करना स्टार्ट किया कम करना स्टार्ट किया उसका टेम्परेचर और कम करने लगे. जस्ट वेट हाँ उसका टेम्परेचर उन्होंने बहुत कम कर दिया ये समझ लीजिए ठीक है. सो धीरे धीरे वो प्लॉट करते गए टेम्परेचर कम करते गए तो प्रेशर कम होने लगा वो जीरो के नीचे आ गया. लेकिन जब बहुत कम प्रेशर होता है ना आपको मालूम है अगर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता. प्रेशर अगर बहुत कम हो जाएगा तो गैस विल कन्वर्टेड इंटू व्हाट लिक्विड. तो जैसे ही वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है सडनली इट टर्न्स इट बिकम लिक्विड और ये प्रोसेस स्टॉप हो गया. फिर इन्होंने कहा अब क्या करें इन्होंने कहा फिर और ज्यादा टेम्परेचर नहीं फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ये जो कॉन्सेप्ट है लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो ठीक है गैसेस के लिए प्रेशर टेम्परेचर कम करते जा रहे थे प्रेशर कम होता जा रहा है सेकंडली लिक्विड में हो गया. लेकिन जब इन्होंने ठीक है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आके स्टॉप हो गया. उन्होंने कहा देखते इसको एक्सटेंड करके देखते जाता कहाँ है. तो उन्होंने थ्योरेटिकल ग्राफ में प्लॉट करके देखा उन्होंने खुद ग्राफ में प्लॉट किया और इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट किया एक्सटेंड करना स्टार्ट किया. तो जब एक्सटेंड करना स्टार्ट किया तो व्हाट दे नोटेड वो यहां पे आके कट करता था उसका टेम्परेचर था -273.16 डिग्री सेल्सियस ठीक है उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते मैं दूसरा गैस ले लेता हूँ ठीक है. उन्होंने दूसरा गैस ले लिया कोई गैस बी ले लिया गैस ए था ये गैस बी है. उसके साथ भी उन्होंने सोचा चलो यही काम करते हैं टेम्परेचर कम करते हैं प्रेशर कम होगा देखते हैं क्या होता है इसका भी ठीक है. व्हाट दे डिड उन्होंने भी कुछ ऐसे ही करना स्टार्ट किया लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ भी रिजल्ट यही हुआ. आर्गुटिंग रिजल्ट तो यही हुआ कि वो भी आके एक पॉइंट पे आके वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो जब उसको एक्सटेंड किया तो उसने भी इंटरेस्टिंग है कि उसी पॉइंट पे कट किया. फिर इसी तरह गैस थ्री ने भी किया गैस सी
तो उनको ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, हम गैस को लेके टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर कम होता है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आके लिक्विड बन जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। लेकिन फर्दर एक्सटेंड करते हैं थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल, तो वो -273.16 पे, तो इन्होंने बोला कि ये जो है ना किसी भी बॉडी के लिए सबके लोवेस्ट टेम्परेचर है, इसको बोला है कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन यूनिवर्स। ये जो है इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन यूनिवर्स, ठीक है, जो हमें आज तक कभी नहीं मिला, ये कभी मिलता नहीं है, कभी इतना नीचे टेम्परेचर कोई जा ही नहीं सकता, तो आज तक हमें कभी मिला नहीं। लेकिन ये थ्रेटिकल निकाला गया है कि अगर कोई सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यूनिवर्स का होगा तो वो होगा -273.16 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन याद रखना ये थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकली लैब में कभी भी हमें इतना लोएस्ट टेम्परेचर हमने अचीव नहीं किया। ये बात समझ में आया सबको? बॉयज एंड गर्ल्स, यू गॉट दिस वन? यस सर। हाँ, तो केल्विन ने क्या किया, उसने कहा अच्छा एक काम करता हूं मैं, ये क्या था, ये था आइस पॉइंट, और ये क्या था 100 स्टीम पॉइंट। तो केल्विन ने बोला कि ये जो -273.5 है इसको मैं जीरो लूंगा, जीरो केल्विन, तो जीरो केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो है, ये ऐसा जीरो टेम्परेचर है कि ये ऐसा इंटरेस्टिंग टेम्परेचर है कि इस पे इसको -273 पॉइंट को उसने जीरो लिया, उसने बोला कि इस टेम्परेचर पे प्रेशर जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है, लोवेस्ट पॉसिबल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल, हमें आज तक ऐसा प्रेशर नहीं मिला, टेम्परेचर नहीं मिला, सॉरी, ठीक है ना। उसने कहा ये जीरो है, तो एक बार बताओ अगर तुम -273.16 को जीरो ले रहे हो तो जीरो को क्या लोगे फिर? अगर -273.16 को जीरो ले रहे हो तो जीरो को क्या लोगे? बोलो, अगर तुम -273.16 को जीरो ले रहे हो तो जीरो को क्या लोगे फिर? जीरो को क्या लेंगे फिर? अगर ये तुम्हारा जीरो है तो फिर जीरो क्या होगा, उसमें ऐड कर दो उतना, तो 273.16, फिर 100 को क्या लोगे? 100 और ऐड कर दो, 373.16, तो जब उसने -273.16 को जीरो लिया तो जीरो क्या बन जाएगा फिर? +273.16 और 100 क्या बन जाएगा? 373.16। ये बात समझ में आया? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा एक बात और, वेट वेट वेट, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक सेकंड को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, वेट वेट, पहला जो ग्राफ मैंने भी सिखाया उसमें हमने यूज किया था फॉर गैस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फिर उसने दूसरा ग्राफ भी साइंटिस्ट ने प्लॉट किया, वो भी गैस के लिए किया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज कांस्टेंट, ओके, उन्होंने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, दोनों ग्राफ सेम आए, सी है, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम आए, जब उन्होंने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, लुक हियर, ठीक है, दूसरा ग्राफ प्लॉट किया तो दूसरे ग्राफ के साथ भी सेम स्टोरी हुई, जैसी है, अगर आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। उन्होंने जब उसको देखा अगेन, ज्यादा टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम करेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, जब उनको एक्सटेंड करोगे तो ऑल विल कट द सेम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, गैस ए ले रहे हैं
ये गैस बी ले रहे हैं, ये गैस सी ले रहे हैं, अगेन दे विल कट द सेम माइनस टू जो हमें आज तक कभी नहीं मिला, 73.16 डिग्री सेल्सियस। तो उसने यही बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है वॉल्यूम जीरो हो जाए, कभी आज तक इसलिए नहीं मिला ना कि एक अजीब टेम्परेचर है, इस पे टेम्परेचर वॉल प्रेशर वॉल्यूम काइनेटिक सब जीरो हो जाता है, इसलिए हमें आज तक नहीं मिला। ये बात समझ में आया आप लोग को? ड्रॉ दिस ग्राफ, ये ग्राफ दोनों ड्रॉ कर लेना। तो प्रेशर टेम्परेचर वर्सेस भी किया उसने, वॉल्यूम टेम्परेचर वर्सेस भी किया, दोनों में ही गॉट द सेम रिजल्ट। साइंटिस्ट मतलब माइनस 273 कभी मिला ही नहीं, वो तो पहले ही वो लिक्विड बन जा रहा था, उसके बाद जब एक्सटेंड कर रहे थे उसको तो वहां पे जाके वो कट कर रहा था। बस वंस यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी, एक में पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया गया, एक में प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया गया। काम करता मैं ठीक से लिख देता हूँ, रुको इसको पूरा लिख लो, वॉल्यूम इसको पूरा लिख लीजिए, प्रेशर इसको आप कंप्लीट लिख लीजिए, टेम्परेचर टेम्परेचर Once you complete, just inform me. Done, sir. So 1 minute.
डन सर। मैं कह रहा हूँ था कि सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था कि ये जा रहा है लिंक, एक मिनट बाद आपको दोबारा ज्वाइन कर लेना, लिंक बंद हो जाएगा, तुम दोबारा सेम लिंक से आ जाना। टेम्परेचर एट एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट